सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सेमटिक्स। सो गाइस, आज हम और लेके आ गए और एक नया वीडियो लेके। तो आज हम करने वाले इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो। ये आप देख ही सकते हो, एप्पल मैक माउस 2 है और आज हम करने वाले इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो। एप्पल अपने आप ही एक बड़ा ब्रांड हो चुका है एंड ये जो ब्रांड है बहुत ही तकदार ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है एप्पल और बहुत ही अपने आप स्ट्रांग हो रहा है ये ब्रांड। एंड आज हम करने वाले इस माउस का अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो चलिए वीडियो को ऐसे शुरू करते और फर्स्ट से एंड तक देखना है वीडियो को। इसका जो गैजेट स्पेसिफिकेशन है सब कुछ आपको बताने वाले हैं एंड आज का वीडियो ऐसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ऐसे। एप्पल अब इसका ध्यान बहुत ही अच्छा रखा है इसका जो पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग बहुत ही मस्त करा है एप्पल का। जो भी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग रहता है उसको ध्यान रख के ही एप्पल को पैकेज करता है एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को। तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम पैकेजिंग है। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैजिकल माउस और जो माउस है कुछ ऐसा तरफ का है एंड पीछे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर कौन से सपोर्ट करते हैं मैक जो है यहाँ पर लिखा है। एंड ये डिजाइन फ्रॉम कैलिफोर्निया एप्पल से है एंड जो मेड इन है ये मेड इन फ्रॉम चाइना है एंड कुछ इस तरफ का बॉक्स का साइड है फेस है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है और आपको दिखाते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम अनबॉक्स करते हैं मैजिक माउस को एंड बॉक्स कुछ बाहर की तरफ ऐसा है एंड हम उसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम उसको ओपन कर रहे हैं एंड ये जो मैजिक माउस का बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा तरफ का है, बहुत ही सेफ्टी पैकेज है, कुछ भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा कि अगर गिर जाए तो अगर टूट जाए वैसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सेफ्टी पैकेज किया है एप्पल ने। एंड यहाँ पर आप माउस को भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा माउस, बहुत ही देखने को मेरे को फर्स्ट अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा लग गया। एंड यहाँ पर नीचे देखते हैं ट्रे को हटा के एंड यहाँ पर ट्रे भी जो है बहुत ही अच्छा ट्रे है एंड गार्ड भी बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पर मैनुअल्स पहले मिल जाता है तो मैनुअल्स को भी निकल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैनुअल्स मिल जाता है एंड उसके बाद नीचे हम देखते हैं यहाँ पर जो ए टू लाइटनिंग केबल इसके साथ मिला है, बहुत ही अच्छा टाइप सी वाला ए टू लाइटनिंग केबल मिला है इसके साथ एप्पल माउस के साथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ए टू लाइटनिंग केबल एंड यहाँ पर मैनुअल्स एंड यहाँ पर जो माउस एक साथ तीनों मिला है। तो इसके बाद अलग कोई और कुछ नहीं मिला, एप्पल स्टिकर्स वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं मिला, बस ये तीनों चीज़ यहाँ पर मिला है एंड जो माउस है कुछ ऐसा तरफ का है। दोस्तों अब आते हैं माउस की तरफ और पहले यहाँ पर आप देख सकते हो माउस कुछ ऐसे तरफ का है एंड पहले जो सामने की तरफ ऐसा कुछ फेस है और यहाँ पर एप्पल का ब्रांडिंग किया है सिम्बॉल से, कुछ ऐसा तरफ का देखने को मिलता है। एंड माउस कुछ ऐसा तरफ का है, काफ़ी प्रीमियम सा माउस है एंड इसका जो प्राइस है वो है 5000 के तरफ 5761। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हूँ, 5761 प्राइस है इसका। एंड माउस कुछ ऐसा तरफ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी मेरे को लगा। हमने जो फाइबर केस है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का केस, ये जो पिलर से फाइबर के जैसा है एंड बहुत ही अच्छा है केस ऊपर का है। एंड यहाँ पर स्क्रैचेस भी नहीं लगने वाले है, बहुत ही प्रीमियम माउस है तो स्क्रैचेस नहीं लगेगा यहाँ पर। एंड जो सॉफ्टनेस है बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस फीलिंग है इसके अंदर एंड जो काम है बहुत ही अच्छा किया है एप्पल ने, अपग्रेड किया है, बहुत ही अच्छा एक माउस है। एंड ऊपर का ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग से कुछ है, यहाँ पर फेस भी हम देख सकते हैं कुछ ग्लास टाइप का जैसा है। एंड सामने जो टच गेस्चर है अभी सामने वीडियो में बताऊंगा। तो सामने यहाँ पर जो क्लिक बटन एंड जो यहाँ पर टच गेस्चर है सब कुछ यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। बहुत ही स्लिम है माउस आप देख सकते हो, बॉटम सेल है तो वो भी हम अब बताते हैं इसका पीछे की तरफ स्पेसिफिकेशन को। तो अगर हम इसका नीचे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो टाइमिंग ग्रिल्स है और इसके लिए बहुत ही सर्विस में बहुत ही अच्छा काम करता है। एंड जो ग्रिल्स है बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ग्रिल्स है
यहाँ पर दिया गया है एंड जो ग्रिल से बहुत ही अच्छा काम करता है सरफेस में, जैसे बैठता है तो बहुत ही अच्छा स्क्रॉल होता है। एंड उसके साथ ही है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर एंड उसके बाद यहाँ पर पावर ऑफ ऑन बटन, तो इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑफ है अभी, तो यहाँ पर व्हाइट जैसा आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ येलो का पेपर जैसा अंदर है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर येलो हो जाता है। एंड अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर ये व्हाइट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा तरफ का है। एंड यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर है एंड यहाँ पर कुछ एप्पल का लोगों से ब्रांडिंग किया है। एंड यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है जहाँ से हम चार्ज कर पाएंगे। बात करें इसका बॉटम शेल की, ये इसमें बहुत ही चेंज आया है। इसके पहले एप्पल माउस मैजिकल माउस 1 के तरफ यहाँ पर एक पैनल था जहाँ पर डबल साइज बैटरी हम डालते थे, और अभी इसका बहुत ही बढ़िया चेंज आया, इसके इनबिल्ट बैटरी किया है। एंड इसका जो बैटरी है इनबिल्ट है। इसका बैटरी का बात करूँ तो ये 1986 mAh का बैटरी है। बैटरी जो है बहुत ही यूजफुल बैटरी है एंड चार्ज बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर कंपेयर करो कोई एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन से, तो आईफोन से हम आईफोन 6 से कंपेयर करेंगे तो आईफोन 6 से भी ज़्यादा है इसका बैटरी लाइफ है। एंड बहुत ही बढ़िया बैटरी दिया गया है, अगर हम इसको 2 मिनट चार्ज करेंगे तो ये 9 hours टू 8 hours ये चल जाएगा। एंड अगर हम इसका फुल चार्ज कर देंगे तो ये 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा। तो बैटरी जो किया है बहुत ही अच्छा, बैटरी में ध्यान दिया है इस माउस का, तो बहुत ही अच्छा एक चीज़ लगा मेरे को। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे चार्जिंग किया जाए, तो ये है A2 लाइटनिंग केबल है जो एप्पल ने दिया है इसके साथ, A2 लाइटनिंग केबल। एंड यहाँ पर हम इसको पोर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम इससे चार्जिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तरफ से हमको इसको इनपुट कर देना है एंड इसके बाद हम यहाँ पर टाइप सी केबल दिया गया है, हमको टाइप सी कोई भी चार्जर हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो कोई हम लैपटॉप या कोई स्मार्टफोन से भी हम इसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी देखे बहुत ही अच्छा काम किया इसने। एंड ये जो केबल है A2 लाइटनिंग केबल है एंड कुछ ऐसा तरफ का फिट है, हम कोई लैपटॉप से भी चार्ज कर पाएंगे इसको एंड कोई एडाप्टर तो है तो हमारे पास, तो हम उससे भी चार्ज कर पाएंगे। एंड जो केबल का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा क्वालिटी दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं। एंड केबल का क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर। एंड केबल बहुत ही लेंथ है, बहुत ही बढ़िया केबल मिला है। एंड जो केबल का साइज है बहुत ही बड़ा केबल का साइज है। एंड जो क्वालिटी है केबल का बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा क्वालिटी का है। एंड जो बिल्ट है बाहर से कुछ यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी फीलिंग दे रहा है केबल। एंड जो माउस है इसके साथ बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है कलर का। मैनुअल्स की भी बात कर लेते हैं, तो पहले मैनुअल्स जो है यहाँ पर कुछ ऐसा तरफ का है मैनुअल्स। एंड यहाँ पर पहले जो स्पेसिफिकेशन एंड जो गेस्ट वगैरह है वो पहले यहाँ पर मैनुअल में मिल जाता है, मैनुअल लेट में। यहाँ पर हमको पहले इस मैनुअल में हमको सब स्पेसिफिकेशन कैसे यूज़ करना है और क्या नहीं, तो यहाँ पर सब कुछ है। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं वारंटी, हमारे के पास यहाँ पर वारंटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर वारंटी कार्ड जैसा। एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन से जो भी चाइनीज माइनीज में लिखा है जापानीज में हमको पढ़ने नहीं आता, तो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं, मैनुअल का उतना भी ज़रूरत नहीं। जो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब से भी आप देख सकते हो, मैनुअल से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में हम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इसी वीडियो के लिए जो भी हम करते हैं अनबॉक्सिंग एंड टेक के बारे में। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब भी बनता है हमारे लिए, हम ऐसे इतना कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। गाइस आप इसका स्पीड के बारे में बताते हैं, इसका स्पीड है 1300 इसका स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड इसका है, 300 डॉट्स पर इंच इसका स्पीड है, बहुत ही अच्छा एक स्पीड माउस है। और अब हम इसको पेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना स्पीड ये काम कर रहा है। और अगर एक बात बता देता हूँ, अगर आप गेमिंग कर रहे हो कोई भी अल्ट्रा गेमिंग या कोई भी आप गेमिंग करते हो, आप बहुत गेम खेलते हो, तो मैं बोलूँगा इस माउस आप मत खरीदो, कोई गेमिंग माउस खरीद लो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको गेमिंग फीचर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टच से काम करते हैं एंड यहाँ पर क्लिक और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप गेम खेलने जाएंगे तो हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो गेमिंग माउस हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप मल्टीमीडिया या कोई एडिटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके ये माउस बहुत ही अच्छा है। और ऑफिशियली अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, ऑफिशियली आप यूज़ करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप इसको खरीद भी सकते हो। पर गेमिंग के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं बोलूँगा इसका गेमिंग के लिए ज़्यादा कंपैक्टेबल नहीं रहेगा। अब आते हैं
इसका पेयरिंग के बारे में। तो अब हम इसको पेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास कोई भी मैकबुक या आईपैड अभी भी नहीं है, तो हम उसको पेयरिंग, जो आईपैड का पेयरिंग है, हम उसको दिखा देंगे। एक स्क्रीन रिकॉर्ड के अंदर हमारा कोई आसपास एक मैकबुक है तो उसके साथ हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंड वहाँ से हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से दिखा देते हैं। एंड आज हम इसके सामने हम आपको विंडोज़ में दिखा देंगे कैसे इसको विंडोज़ में भी पेयर करते हैं। और एक बढ़िया बात है, हम आज इसको स्मार्टफोन में भी कनेक्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको स्मार्टफोन में भी कनेक्ट करके इस एप्पल मैजिकल माउस 2 को। तो चलिए अब हम पेयरिंग में चलते हैं। तो अब हम विंडोज़ में सेटअप करेंगे। यहाँ पर हमने माउस को ऑन कर लिया है एंड अब हम इसको सेटअप करेंगे, पेयर करेंगे। तो हम सेटिंग्स ऑप्शन में चल जाएंगे विंडोज़ में एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर हम प्लस क्लिक में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन जो रहेगा ब्लूटूथ, तो माउस के लिए हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया है। एंड पहले जो यहाँ पर अब हम इसको पेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैजिक माउस यहाँ पर आ चुका है। और अब हम इसको पेयर करेंगे, जहाँ पर ऐड डिवाइस आता है तो वहाँ पर हम इसको पेयर कर लेते हैं। अभी कनेक्टिंग हो रहा है तो हम इसको कनेक्ट कर लिया है और ये पेयर्ड भी हो चुका है। तो अभी हम इसको पेयर कर लिया है एंड अब हम इसको डन कर देंगे नीचे एंड उसके बाद देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है और क्या हो रहा है, तो देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना स्पीड ये काम कर रहा है, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही स्पीड काम कर रहा है। एंड इसका जो स्मूथनेस है, जो क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो DPI रेट है 1300, इसका DPI डॉट पर इंच है, बहुत ही कमाल काम कर रहा है। एंड स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, बस विंडोज़ में भी इतना स्पीड है और हम मैक में भी यूज़ करके दिखाएंगे। एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम रिफ्रेश करें, क्लिक ऑप्शन सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, अच्छे से ही काम कर रहा है। एंड इसमें सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, बस आपको एक ब्राउज़र ओपन करके दिखा देते हैं। तो मैं इसको पहले से ओपन कर रखा था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउज़र में भी बहुत ही फास्ट काम कर रहा है एंड बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और यहाँ पर बस क्लिक का ऑप्शन ही काम कर रहा है, बस इतना ही। दोनों तरफ का जो क्लिक ऑप्शन रहता है वो दोनों ही काम कर रहा है, बस स्क्रॉल जो है वो कोई टच गेस्चर यहाँ पर विंडोज़ में काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको अलग से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, तो हम इसको इंस्टॉल नहीं किया है। ये ड्राइवर गूगल क्रोम में भी मिल जाता है, गूगल में भी मिल जाता है, अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है एंड वहीं से आपको इंस्टॉल करके वो टच गेस्चर वो काम करने लगेगा। बस हमने इंस्टॉल नहीं किया, बस हमको दोनों क्लिक ऑप्शन ही काम कर रहा है, कोई स्क्रॉल या साइड गेस्चर जो है वो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, बस ये क्लिक दोनों ऑप्शन ही हमको काम करेगा विंडोज़ में भी। एंड जो मैक में तो वो सब कुछ सपोर्ट आता है मैक सेटिंग से, एंड यहाँ पर बस हम विंडोज़ से काम कर रहे हैं इसलिए हमको वो दोनों क्लिक ऑप्शन ही काम कर रहा है। बस उसके लिए हमको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम मैक पे और आईपैड में हम काम करते हैं जो टच गेस्चर से, वो यहाँ पर भी सेम काम करने लगेगा। बारी है एंड्रॉयड में कनेक्ट करने के लिए, तो मैं जैसे ही बोला वो एंड्रॉयड में भी कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हमने ब्लूटूथ ऑप्शन ऑन कर लिया है एंड यहाँ पर हम लोड करेंगे कि जब तक ये नीचे आ जाए तो हम उसको रीलोड मारते हैं। तो एक न्यू डिवाइस है इसलिए नीचे आएगा तो पेयर करना पड़ेगा, तो हम इसको लोड करने देते हैं और एंड उसके बाद देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैजिक माउस आ चुका है एंड हम इसको पेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पर पेयर ऑप्शन आ चुका है। और आप भी जैसे करोगे ऐसा ही ऑप्शन आ जाएगा एंड हमने इसको पेयर कर लिया है। एंड पर आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है, फुल्ली वर्क कर रहा है। जैसे ही हम वर्क करते हैं हम जो USB एंड ब्लूटूथ माउस काम करते हैं, तो ये एप्पल माउस भी यहाँ पर स्मार्टफोन में काम कर रहे हैं एंड स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एंड यहाँ पर हमने YouTube ओपन कर लिया है तो हमारा चैनल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है, बस जो क्लिक ऑप्शन है वही काम कर रहा है। विंडोज़ में काम करने के लिए ड्राइवर इंस्टॉल होता है, पर एंड्रॉयड के लिए मेरे को पता नहीं, बस क्लिक ऑप्शन ही यहाँ पर काम कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे ही बोला था कि कनेक्ट करके दिखा दूंगा एंड मैंने यहाँ पर कनेक्ट फुली कर लिया है एंड आप देख सकते हो ये फुल्ली वर्क हो रहा है। एंड जैसे ही मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं एंड काम करते हैं वैसे ही पूरा सेम चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों अब हम मैकबुक में पेयर करेंगे, तो हम यहाँ पर मैकबुक में आ गए, मैं उसको ऑन कर लिया है एंड यहाँ पर हम ऊपर में चल जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम प्रेफरेंस आ चुका है एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ ऑप्शन देख रहा है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर माउस ऑप्शन, तो हम माउस का सेटिंग तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको गेसेस के बारे में बताते हैं। तो अब आते हैं पहला ऑप्शन में जो है स्क्रॉल एंड डायरेक्शन ऑप्शन, जहाँ पर कि आपका माउस जो है वो आप
हल्का सा फिंगर से टच करोगे, अप एंड डाउन करोगे, तो आपका अकॉर्डिंगली कंटेंट मूव होने लगेगा। तो अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में जो है सेकेंडरी क्लिक ऑप्शन। सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो राइट साइड का होता है, एंड अगर आपको चेंज करना है तो आप सेटिंग से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं इसको राइट साइड में फिर से कर देता हूँ, एंड इसको लेफ्ट साइड में भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको राइट साइड में फिर से कर देता हूँ, जो मैनुअल है वही कर दिया मैंने। तो अब आते हैं स्मार्ट जूम ऑप्शन में, यहाँ पर आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको हल्का सा डबल टैप करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसे डबल टैप करना है, जो आपका एप्लीकेशन खुला रहेगा वो ऐसा जूम हो जाएगा। तो यही है स्मार्ट जूम का फीचर्स, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। एंड अब आते हैं ट्रैकिंग स्पीड की तरफ, यहाँ पर आप स्पीड कमा भी सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, आपका जो मर्जी है। आप इसको स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, जो इसका स्पीड है। तो जो गेस्चर है इसके काफ़ी डिफरेंट है, वो ये है कि ये इसमें जो स्वाइप बिटवीन पेजेस कर सकते हैं, अगर आपके स्क्रीन के मल्टीपल पेजेस खुले हैं तो आप उसको आसानी से स्वाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि फिंगर लेफ्ट साइड से राइट साइड करना है, एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो स्वाइप अप हो रहा है। एंड अगला ऑप्शन है कि स्वाइप बिटवीन फुल स्क्रीन एप्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप्स के अंदर हम स्वाइप कर रहे हैं, जो स्वाइप बिटवीन हो रहा है साइड बाई साइड, ये है इसका दूसरा ऑप्शन का काम। एंड आप आते हैं लास्ट ऑप्शन में मिशन कंट्रोल, जो कि है लास्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो डबल टैप करके मिडिल में हम जो डबल टैप कर रहे हैं तो ये अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, एक साथ बहुत सारा जो एप्लीकेशन एक साथ हम देख सकते हैं, वही इसका फीचर्स है जो मिशन कंट्रोल है। डबल टैप करेंगे मिडिल के ऊपर थोड़ा सा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन जो हमने खुला था वो एक साथ हो जाता है, एंड वहां से हम स्वाइप अप भी कर सकते हैं। तो इसका ही था इसके गेस्चर्स एंड फीचर्स, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपको भी आ जाए। सो गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको समझने में और कुछ अगर आप समझ नहीं पाए तो हमको जरूर कमेंट में बताना, हम आपको हेल्प करेंगे कमेंट में लिख के। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और एप्पल माउस को पूरा वीडियो आप देखो पहले, और उसके बाद हमको बताना कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ बताना है तो हमको जरूर कमेंट में बताना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और धमाकेदार वीडियो लेके।